की शुरुआत करेंगे। पाठ चार, पाठ का नाम है कौरा और यह एक गाय और लेखिका की कहानी है। सबसे पहले पाठ से पहले पशु मनुष्य की भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं और उसे अपना प्यार भी खूब देते हैं। अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण मनुष्य इन जानवरों के साथ कैसा जघन्य पाप कर बैठता है, इस रेखा चित्र में लेखिका ने इसे अत्यंत भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है कि पशु भी जो है मनुष्य की भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं। जब कभी हमारे घर में जब हम पालतू जानवरों को पालते हैं, रखते हैं, तो हमें उनके साथ एक इमोशनल या कह सकते हैं भावनात्मक उनसे हम जुड़ जाते हैं, भावनात्मक रूप से हम उनसे जुड़ जाते हैं और वे हमारी भावनाएं और हम उनकी भावनाओं को अच्छी तरह समझने लगते हैं और उन्हें प्यार भी बहुत करते हैं। परंतु वहीं दूसरी ओर जब कभी कोई व्यक्ति स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए किसी ऐसे जानवर का जो कि उसके अच्छे काम आने वाला है, फिर भी लोग उसके लिए क्या है, उनके लिए गड्ढा खोदते हैं या उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसी मतलब किस प्रकार का वो पाप कर देते हैं, जघन्य पाप करते हैं, उसी से संबंधित जो है, उसी भाव से संबंधित जो है इस रेखा चित्र में लेखिका ने इस बात को बहुत ही अत्यंत भावपूर्ण से समझाया है। गौरा मेरी बहन श्यामा के घर पली हुई गाय की बछिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह हमारे हृदयों में अन्य गाय के बछड़ों से एक अलग विशेष स्थान रखती थी। यह गौरा के बारे में कहा जा रहा है कि गौरा जो है लेखिका के बहन जो श्यामा के घर में पली हुई गाय की बछिया थी और उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह उनके हृदयों में अन्य गाय के बछड़ों से एक अलग विशेष स्थान रखती थी। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। मैंने खाने की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु नहीं पाले थे। अर्थात ये कौन कह रहा है, ये लेखिका कह रही है कि जो है उनको उनकी बहन ने कहा कि इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय पाल लो। तो वो कहती है कि मैंने जो है कभी भी किसी भी समस्या के समाधान के लिए कोई पशु नहीं पाले थे। पशु पक्षियों से मुझे बचपन से प्यार था। बहन के आग्रह पर मतलब के कहने पर मैंने ध्यानपूर्वक गौरा को देखा। लंबी सुडौल गर्दन, लचीले पैर, चिकनी पीठ, कमल की दो पंखुड़ियों जैसे कान, सघन लंबी पूंछ, सघन मतलब घनी लंबी पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सतह, मतलब उसके स्वरूप का ये वर्णन करें कि किस प्रकार उसके शरीर की बनावट थी। गौरा को देखते ही मैंने उसे पालने का निश्चय कर लिया। गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची, उसे लाल सफेद गुलाबों की माला पहनाई गई। तो जब गौरा को जब वो अपने घर लेकर की गई तो उन्होंने उसका स्वागत किस प्रकार किया, उन्होंने उसे लाल सफेद गुलाबों की माला पहनाई, केसर रोली का टीका लगाया। पता नहीं इस स्वागत का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी। अर्थात गौरा जो गाय थी उनके घर आकर के बहुत ही प्रसन्न हो गई। गौरा वास्तव में बहुत सुंदर थी। उसकी काली आंखों का सौंदर्य तो देखते ही बनता था। उन आंखों में एक अनोखे विश्वास का भाव था, यानी कि जानवर भी अपने भाव को अपने आंखों से और अपने बाहरी रूप से वो प्रदर्शित करते हैं। तो उन्होंने कहा अपनी आंखों से वे एक अनोखे विश्वास का भाव उन्हें दिखा। इस पशु को मनुष्य का अत्याचार सहना पड़ता है, फिर भी उसकी आंखों में न विस्मय का भाव होता है और न ही डर का। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है क्यों कहा, यह उसकी आंखें देखकर ही समझ आ सका। तो लेखिका कहती है कि जो महात्मा गांधी ने जो कविता लिखी है गाय के ऊपर, गाय करुणा की कविता, उन्हें ऐसा क्यों कहा, ये जो है लेखिका को उसकी आंखों में देख करके समझ में आ गई, क्योंकि उसकी आंखें इतनी मासूम थी उसमें ना ही, जबकि उसे मनुष्यों के द्वारा कई दर्द सहने पड़ते हैं, परंतु उन्हें देखकर ना तो उसमें कोई विस्मय या आश्चर्य की भावना होती है और ना ही किसी डर की। कुछ ही दिनों में वह सबसे हिल मिल गई। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खिंचलाने लगे। वह भी उनके साथ आंखें मूंद कर सुख का अनुभव करती। गौरा हम सबको आवाज से नहीं बल्कि पैर के आड़ से भी पहचानने लगी। तो गौरा उनके घर में इस कदर घुल मिल गई थी कि वो सबकी आवाज से नहीं बल्कि पैरों के आड़ से भी पहचानने लगी। समय का इतना अधिक ज्ञान उसे हो गया था
कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह बाबा की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। चाय, नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह इतनी परिचित थी कि कुछ समय प्रतीक्षा करने के उपरांत रंभा रंभा कर घर सिर्फ उठा लेती थी। मतलब वो इस कदर उस घर की सदस्य बन चुकी थी कि और समय का उसे इतना ज्ञान हो चुका था कि जब उसे पता चलता कि लेखिका का मोटर जो है फाटक के पास आया या फाटक में प्रवेश कर रहा है, तो वो तुरंत जो है लेखिका को अपनी आवाज से पुकारने लगती। चाय, नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वो इतनी परिचित थी कि थोड़ा समय प्रतीक्षा करने के बाद जब उसे खाना नहीं मिलता तो वो रंभा रंभा कर अपनी आवाज से घर सिर पर उठा लेती थी। मनुष्यों के समान वह भी औरों की निकटता चाहती थी। जैसे मनुष्य एक दूसरे के साथ रहकर बड़े खुश होते हैं, औरों की निकटता चाहते हैं, उसी प्रकार वह भी चाहती थी कि हर वक्त उसके पास कोई रहे। जैसे ही उसके पास जाते वह गर्दन और पास आकर देती थी, वह गर्दन और पास कर देती थी। जैसे ही वो उसके पास जाते, मतलब कोई भी घर का व्यक्ति उनके पास जाता तो वह गर्दन और पास कर देती थी, अर्थात वो उनके और करीब जाने की कोशिश करती थी। हाथ फेरने पर अपना मुख कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती, मतलब वो घर वालों के उस प्यार को महसूस करने की कोशिश करती थी। एक वर्ष बाद गौरा एक सुंदर बछड़े की माता बन गई। बछड़े का रंग लाल था, उसका नाम रखा गया था लालमणि, परंतु उसे सब लालू कहकर पुकारते थे। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। दुग्ध महोत्सव क्यों? क्योंकि जब वो बछड़े की माँ बनी, बछड़े को जन्म देने के बाद क्या है वो दूध अधिक मात्रा में देने लगी, तो इस वजह से यहाँ पे लेखिका ने कहा कि जैसे लगा कि हमारे घर में दूध महोत्सव शुरू हो गया। गौरा प्रातः सायं 12 से के लगभग दूध देती थी। लालमणि के लिए भी पर्याप्त दूध छोड़ देने के पश्चात भी इतना दूध शेष रहता था कि आसपास के लोग कुत्ते बिल्ली तक उस दूध का उपभोग करते थे। मतलब लालमणि यानी कि अपने बछड़े को दूध पिलाने के बाद भी उसके पास इतना दूध शेष रहता था कि आसपास के सभी लोग कुत्ते बिल्ली अन्य जानवर सभी उसके दूध का भोग करते थे। दुग्ध दोहन के समय वे सब गौरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महोदय उनके आगे बर्तन रख देते, यानी दूध जो है दूहने वाला जो दुग्ध दोहन करता है वो उनके आगे जो है बर्तन रख देता था। दूध पीने के बाद कृतज्ञता मतलब धन्यवाद का रूप प्रकट करने के लिए वे उसके चारों ओर उछलने कूदने लगते। पर अब समस्या थी तो दुग्ध दोहन की, मतलब दूध दोहने की। घर के नौकरों को दूध दोहना आता नहीं था और जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान था वे घंटों लगा देते थे। गौरा के पहले जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था उसको बुलाकर हमने इस समस्या का समाधान पा लिया। तो इससे पहले क्या है कि वो दूध का लेखिका के यहाँ दूध जो है ग्वाले के द्वारा, मतलब बाहरी ग्वाले के द्वारा आता था, लेकिन गौरा के आने के बाद अब उन्हें बाहर से दूध मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, तो जो कुछ भी दूध की आवश्यकता थी वो गौरा के द्वारा पूर्ण हो जाती थी, इसलिए अब ग्वाले को आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जो इन्हें समस्या थी कि गौरा का दूध कैसे दोहा जाए, तो उन्होंने जो है पहले वाला जो ग्वाला था उसे बुला करके उन्होंने इस समस्या का समाधान पा लिया। 2-3 मास यानी 2-3 महीने के उपरांत गौरा ने दाना चारा बहुत कम कर दिया और वह दुर्बल तथा सुस्त रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया, मैंने अर्थात लेखिका ने पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक एक्सरे द्वारा रोग का कारण खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई है जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है और उसकी मृत्यु निश्चित है। तो कई दिनों तक क्या है एक्सरे करवाया गया और उसके द्वारा जो है रोग का कारण खोजा गया और अंत में यह निर्णय हुआ कि गाय को जो है सुई खिलाई गई है जो उसके रक्त संचार के साथ, यानी जो उसके शरीर में रक्त के साथ जो है उसके हृदय तक पहुंच चुकी है जिसके कारण उसकी मृत्यु जो है निश्चित है। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों हुए कि सुई किसने और क्यों खिलाई। दाना चारा तो हम देखभाल कर देते हैं, पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञान हुआ कि किसी ने गुड़ की बड़ी दली के बीच रखकर सुई खिलाई है जो सीधी गले से नीचे उतरकर हृदय में पहुंच गई है। तो इस ये जानकर लेखिका को बड़ा ही कष्ट और आश्चर्य भी हुआ और उन्होंने सोचा कि सुई किसने और क्यों खिलाई, क्योंकि घर में तो दाना चारा सभी को देख कर देता है। पर डॉक्टर के बातों से यह समझ में आया कि किसी ने गुड़ की बली दली, मतलब गुड़ में जो है सुई रखकर बीच में सुई डालकर उसे खिलाई गई है जिसके कारण
वो सीधी गले से नीचे उतर कर हृदय में पहुंच गई है। अंत में एक ऐसा कठोर सत्य मेरे सामने आया, अर्थात लेखिका के सामने आया, जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं। प्रायः कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे दूध लिया जाता था, गाय का आना सह नहीं पाते, क्योंकि उनकी आय का साधन बंद हो जाता है। अवसर मिलते ही वे गुड़ में सुई लपेट कर उसे खिला कर उसके मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला गायब हो गया। तो उन्होंने उन्हें उनके सामने एक ऐसा कठोर सत्य आया जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। ऐसा होता है अक्सर जब कुछ ग्वाले जहां उनसे दूध लिया जाता है, वे गाय का आना नहीं सह पाते। क्यों? क्योंकि उनकी आय का साधन, क्योंकि उस घर में वो दूध दे रहे हैं और उससे उनको पैसे मिलते हैं, आय का साधन होता है, और गाय के आने के बाद जो है वो आय का साधन बंद हो जाता है। और वे क्या करते हैं, अवसर मिलते ही गुड़ में सुई लपेट कर उसे खिलाकर उसकी गाय की मृत्यु निश्चित कर देते। क्यों? क्योंकि अगर गाय मर जाएगी तो फिर से उन्हें दूध देने का मौका मिल जाएगा। गाय के मर जाने पर वे पूरा घरों में दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला गायब हो गया। तब कौरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ, जिसे याद करके भी मन कांप जाता है। डॉक्टरों ने कहा इसे सेब का रस पिलाया जाए, अतः नित्य कई कई सेब से सेब का रस निकाला जाता और नली से गौरा को पिलाया जाता, क्योंकि अब जो है गौरा की हालत बिगड़ने लगी थी और डॉक्टर ने कहा था कि उसे सेब का रस पिलाया जाए और उसे नली से जो है पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन दिए जाते। इंजेक्शन की लंबी मोटी सुई देखकर उसकी चुभन और पीड़ा का अनुमान लगाया जा सकता है, पर गौरा उसकी पीड़ा शांति से सहती। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आंखों के कोने में पानी की दो बूंदे छलकने लगती। उदास आंखों के कोनों में पानी की बूंदे, अर्थात उसके दर्द के मारे उसके आंसू निकलते थे, परंतु वो भी वो पीड़ा शांति से सह लेती थी। अब वो उठ नहीं पाती थी, परंतु जब भी मैं उसके पास जाती, अर्थात लेखिका, वह अपना उदास मुख मेरे कंधे पर रख देती थी। लाल मड़ी बेचारे को माँ के दुख का कोई ज्ञान न था, क्योंकि वो तो छोटा था। अब उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था, जो उसे अच्छा नहीं लगता था। गौरा के पास पहुंचकर उसे सिर मार मार कर उठाना चाहता था, पर सब व्यर्थ, क्योंकि क्या है, गौरा उसकी माता थी और वे क्या है, अब उसे जो है दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था, क्योंकि गौरा उठ नहीं पाती थी और वह उसे दूध पिलाने में सक्षम नहीं थी। परंतु जो है लालमणि उसके पास जाता था, उसे सिर मार मार कर उठाना चाहता था, परंतु सब कुछ व्यर्थ था। अब गौरा की सुंदर चमकीली आंखों की आभा समाप्त हो चली थी। कई पशु विशेषज्ञों को बुलाया, पर किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिलती। मतलब अब जो है उसकी अंतिम स्थिति, जो है अंतिम समय उसका आ चुका था और जो उसकी आंखों की सुंदर चमकीली जो आभा थी, वो सब कुछ खत्म हो चुका था। कई बार उन्होंने लेखिका ने पशु विशेषज्ञों को बुलाया, परंतु किसी ने उसे ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे उसकी आशा की कोई किरण मिल जाती। सेब का रस भी अब कंठ में रुकने लगा, यानी गले में रुकने लगा। मैंने उसके अंत का अनुमान लगा लिया। अब लेखिका को समझ में आ गया था कि अब उसका अंत जो है निकट और निश्चित है। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय उपस्थित रह सकूं। दिन में ही नहीं, रात में भी कई बार उतर कर मैं उसे देखने जाती रही। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त यानी कि भोर में 4 बजे जब मैं गौरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान कंधे पर रखा, वैसे ही वह एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बांह पर से सरक कर धरती पर आ गया। कदाचित सुई ने हृदय को बेध कर बंद कर दिया था। तो अंत में क्या होता है, भोर में एक बार 4 बजे जब लेखिका जो है उसे देखने के लिए गई, तो जैसे ही सदा के समान, जैसे हमेशा वो अपना मुख हमेशा उनके कंधे पर रखती थी, उस दिन भी रखा और वैसे ही उसका चेहरा, जो उसका मुख था, वो पत्थर जैसा भारी हो गया और लेखिका की बांह से सरक कर धरती पर आ गया। कदाचित सुई ने हृदय को भेद कर बंद कर दिया। मतलब यह निश्चय था कि सुई ने अब जो है सुई जो है हृदय तक पहुंच चुकी है और हृदय को भेद दिया है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो चुकी है। गौरांगिनी को ले जाते समय, गौरांगिनी मतलब गोरे अंगों वाली गाय के लिए कहा गया है, ले जाते समय मानव करुणा का समुद्र उमड़ आया, मतलब उसके ऊपर दया और दुख हो रहा था। परंतु लाल मणि इसे भी खेल समझ उछलता कूदता रहा, क्योंकि वो छोटा था, उसे कुछ पता नहीं। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आह मेरा गोपालक देश।
तो कहते हैं कि यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में यानी उस लंबी सांस का उस शब्दों में अनुवाद हो सके, यानी उस लंबी सांस को शब्दों में कहा जा सके, तो उसकी प्रतिध्वनि उसकी गूंज यही होगी कि आ मेरा गोपालक देश। कि गाय हमारे देश में तो गाय को माता का स्वरूप दिया जाता है, लेकिन वही कुछ लोग अपने स्वार्थ के कारण उस माता का भी अपमान करते हैं। यही कहा गया है कि तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी कि आ मेरा गोपालक देश की, ऐसे मतलब वो दुख के कारण वो कह रहे हैं कि आ मेरा गोपालक देश, कि ऐसा गाय पालने वाला देश जहाँ पर लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने माता की भी हत्या करने से नहीं झुकते। तो यह रेखा चित्र जो है लिखा गया है महादेवी वर्मा जी के द्वारा। इसका जीवन मूल्य है हमें सभी जीव जंतुओं से प्यार करना चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस पाठ के लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न और इसके साथ ही इसके व्याकरण और भाषा कौशल पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस पाठ का लघु उत्तरी प्रश्न, पहला प्रश्न, गौरा का स्वरूप कैसा था? तो गौरा का स्वरूप उसकी लंबी सुडौल गर्दन, लचीले पैर, चिकनी पीठ, कमर की दो पकड़ियों जैसे कान, सघन लंबी पोंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। तो ये जो है गौरा का स्वरूप। दूसरा, बंगले पर गौरा का स्वागत कैसे हुआ? तो उसका उत्तर यहाँ दिया हुआ है, थर्ड पैराग्राफ, गाय जब मेरे बंगले पे पहुंची। तो इसे आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न में से ही उठाएंगे कि बंगले पर सबसे पहले गौरा का स्वागत करने के लिए उसे लाल सफेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर रोली का टीका लगाया गया। ठीक है, तीसरा प्रश्न, गौरा के दूध का भोग कौन कौन करते थे? तो पेज नंबर 27 पे ऊपर से तीसरा पैराग्राफ, क्या प्रश्न है, गौरा के दूध का भोग कौन कौन करते थे? तो गौरा के दूध का भोग उसके आसपास के लोग, कुत्ते बिल्ली तक उस दूध का भोग करते थे। दुग्ध दोहन के समय वे सब गौरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महोदय उनके आगे बर्तन रख देता था। प्रश्न नंबर 4, गौरा को सुई किस चीज में मिलाकर खिलाई गई? तो आपको पता है गौरा को सुई जो है गुड़ की बड़ी तली में मिलाकर खिलाई गई। ठीक है, अब आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है लेखिका ने गौरा का पालन पोषण किस प्रकार किया? इसे चाहे तो आप पाठ को पढ़कर अपने शब्दों में लिख सकते हैं, अन्यथा इस प्रकार लिख सकते हैं, लेखिका ने सर्वप्रथम उसका स्वागत करने के लिए उसे लाल सफेद गुलाबों की माला पहनाई, केसर रोली का टीका लगाया। उसके पश्चात गौरा जो है सबसे ही मिल गई थी। जब गौरा सुंदर बछड़े की माता बनी तब भी लेखिका ने उसकी सेवा की, उसका दूध आसपास के लोग कुत्ते बिल्ली सभी को करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि गौरा के आखिरी दिनों में भी लेखिका कई बार दिन और रात उसे देखने जाती थी। तो इस प्रकार जो है उन्होंने गौरा का पालन पोषण किया। प्रश्न संख्या 2, ग्वाला क्यों गायब हो गया? तो ग्वाला इसलिए गायब हो गया क्योंकि उसने गौरा को क्या किया था, गौरा को गुड़ की डली में सुई डालकर खिला दिया था, जिससे गाय की मृत्यु जो है निश्चित थी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि गाय के आने से उसकी आय का साधन बंद हो जाता, कि आय का साधन बंद हो जाता या उसकी आय का साधन बंद हो गया था। ठीक है, उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसके आने से जो गौरा के आने से उसकी आय का साधन बंद हो गया था, तो इससे जो है ग्वाला गायब हो गया। अब है तीसरा प्रश्न, गौरा किस प्रकार बीमार पड़ी, कैसे बीमार पड़ी? तो इसका उत्तर पेज नंबर 27 में दिया हुआ है ऊपर से चौथा पैराग्राफ, 2-3 मास के उपरांत गौरा ने दाना चारा बहुत कम कर दिया और वह दुर्बल तथा सुस्त रहने लगी। चिंतित होकर मैंने के बदले आप लिखेंगे लेखिका ने, क्या लिखेंगे, लेखिका ने, चिंतित होकर लेखिका ने पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक एक्सरे द्वारा रोग का कारण खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि गाय को सुई खिला दी गई है जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है और उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इस प्रकार जो है तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, गौरा के मृत्यु संघर्ष का वर्णन कीजिए। गौरा के मृत्यु संघर्ष का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 27
सबसे आखिरी पैराग्राफ। सर्वप्रथम डॉक्टरों ने कहा इसे सेब का रस पिलाया जाए, अतः नित्य कई कई सेब का रस निकाला जाता और नली से द्वारा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन दिए जाते। इंजेक्शन की लंबी मोटी सुई देखकर उसकी चुभन और पीड़ा का अनुमान लगाया जा सकता था, पर गौरा उसकी पीड़ा शांति से सहती। केवल कभी कभी उसकी सुंदर आंखों पर या सुंदर पर उदास आंखों के कोने में पानी की दो बूंदे छलकने लगती थी। यादव होने के पश्चात अब वह उठ नहीं पाती थी, परंतु जब भी मैं के बदले लेखिका, मैं के बदले लेखिका, लेखिका के पास जाती, उसके पास जाती तो अपना उदास मुख मेरे अर्थात लेखिका के कंधे पर रख देती थी। यहाँ तक होने के बाद फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में पहली लाइन, अब गौरा की सुंदर चमकीली आंखों की आवाज समाप्त हो चली थी। सिर्फ यहाँ तक, उसके बाद लास्ट अंत में एक दिन मुहूर्त में 4 बजे जब मैं अर्थात लेखिका गौरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान कंधे पे रखा, वैसे ही वह एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी अर्थात लेखिका की वहां पर से जरब कर धरती पर आ गया। कदाचित सुई ने हृदय को भेद कर बंद कर दिया। तो यह जो है चौथा प्रश्न का उत्तर हो गया, उसका मृत्यु संघर्ष। अब आता है प्रश्न संख्या ख अर्थात सुमेल कीजिए, यह आप स्वयं कर सकते हैं। क, व्याकरण एवं भाषा कौशल का क, उपसर्गों को जोड़कर लिखे। अति धन आचार अत्याचार, उपधनयोग उपयोग, वी धन शेष विशेष, प्रतिधन ध्वनि प्रतिध्वनि, अनुवाद अनुधनवाद अनुवाद, उपधन स्थित उपस्थित। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद एक वर्तनी शुद्ध कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आप किताब से सही शब्द देखकर, जो उसमें अशुद्धता है यानी मात्राओं की जो अशुद्धता है उसे आप देखकर स्वयं किताब से ढूंढकर लिख सकते हैं। इसके बाद एक निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। बहन तो भगिनी, अग्रजा सहोदया, गायिका गौ, धेनु गौवंती, पक्षी का विहग पंछी, खग आंख का नयन लोचन नेत्र, दूध का दुग्ध क्षीर पय, घर मकान भवन आलय। ठीक है, तो यह जो है इस पाठ का अभ्यास और इसके प्रश्न उत्तर पूरे हो गए।